ईश्वर हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु हमारी मदद करने शीघ्र ही आ जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। अग्रसूत्र। सूर्योदय के पहले ही पावन महिमा में मैंने तुमको उत्पन्न किया है। हालेलुया। मेरे प्रभु ने कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान बना दूंगा। ईश्वर सियोन से आपके राज्याधिकार का विस्तार करेगा। आप दूर तक अपने शत्रुओं के देश पर शासन करेंगे। आपकी सेना के संगठन के दिन आपकी प्रजा आपका साथ देगी। आपके सैनिक सुसज्जित होकर प्रभात की ज्योति में ओस की तरह चमकेंगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर आपके दाहिने विराजमान है। जिस दिन राजा का क्रोध भड़क उठेगा, वह अन्य राजाओं को कुचल देंगे। वह मार्ग में जल स्रोत का पानी पीकर अपना सर ऊंचा करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक रहेगी। आमीन। सूर्योदय के पहले ही पावन महिमा में मैंने तुमको उत्पन्न किया है। हालेलुया। अग्रसूत्र। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है, उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। धर्मों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसका घर भरा पूरा होगा। उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु करुणामय और न्याय प्रिय है। वह तरस खाकर उधार देता है और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरेगा, उसका मन सुदृढ़ है। वह ईश्वर का भरोसा करता है, वह ना तो घबराता और ना डरता है। वह अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता है। वह उदारता पूर्वक
दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है। वह सम्मानपूर्वक अपना सिर ऊंचा करता है। दुष्ट यह देखकर जलता है, वह निराश होकर दांत पीसता है। दुष्टों की अभिलाषाएं निष्फल होंगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक रहेगी। आमीन। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। अग्रसूत्र। ईश्वर के सब सेवकों उसकी स्तुति करो। अलिलुया। हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत है। अलिलुया। अलिलुया। तुम सब जो ईश्वर की सेवा करते हो, और तुम छोटे बड़े जो उस पर श्रद्धा रखते हो, हमारे ईश्वर की स्तुति करो। अलिलुया। अलिलुया। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने राज्याधिकार ग्रहण किया है। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं और ईश्वर की महिमा गाएं। अलिलुया। अलिलुया। क्योंकि मेमने के विवाहोत्सव का समय आ गया है, उसकी दुल्हन अपना श्रृंगार कर चुकी है। अलिलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक रहेगी। आमीन। ईश्वर के सब सेवकों उसकी स्तुति करो। धर्म ग्रंथ पाठ। आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुँचे, जहाँ लाखों स्वर्गदूत स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। लघु अनुवाक्य। हमारा प्रभु महान है, महान है उसका सामर्थ्य। हमारा प्रभु महान है, महान है उसका सामर्थ्य। उसकी प्रजा अथाह है। हमारा प्रभु महान है, महान है उसका सामर्थ्य। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हमारा प्रभु महान है, महान है उसका सामर्थ्य। मरियम गान अग्रसूत्र। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थाई दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में, अब और अनंत काल तक। आमीन। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। सामूहिक निवेदन। ईश्वर ने सब कुछ को मसीह द्वारा एकता के सूत्र में पिरोने के लिए अपनी योजनाएं कलीसिया में प्रकट की हैं। आइए प्रार्थना करें कि उसकी इच्छा पूर्ण हो।
हे पिता, यीशु मसीह में सब कुछ को एक बना दे। कलीसिया में तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति और शक्ति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम एकता की खोज में लगे रहें, इसके लिए एक दिल होकर प्रार्थना करने की प्रेरणा दे। हे पिता, यीशु मसीह में सब कुछ को एक बना दे। हम उन सब के नाम से तुझे धन्यवाद देते हैं जिनका हर एक काम तेरे प्रेम का परिचय देता है। हम उन सब की सेवा करें जिनके बीच रहकर हम जीवन बिताते हैं। हे पिता, यीशु मसीह में सब कुछ को एक बना दे। हे पिता, कलीसिया में तेरे वचन और संस्कार के परिचारकों के रूप में सेवा करने वालों की देखभाल कर। वे ईश परिवार के सब लोगों को उस एकता में ले आए जिसके लिए तेरे पुत्र ने प्रार्थना की थी। हे पिता, यीशु मसीह में सब कुछ को एक बना दे। तेरी प्रजा महायुद्ध और आपसी विद्वेष का अनुभव कर चुकी है। वह प्रजा अब उस शांति का अनुभव करे जो तेरे पुत्र हमारे लिए छोड़ गए हैं। हे पिता, यीशु मसीह में सब कुछ को एक बना दे। सब मृतकों की चीर प्रतीक्षा पूरी कर, उन्हें पुनरुत्थान का वह आनंद प्रदान कर जब तू सब में सब कुछ हो जाएगा। हे पिता, यीशु मसीह में सब कुछ को एक बना दे। आइए हम हमारे सभी निवेदनों को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे पिता, तेरे शिक्षा अनुसार सारी संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। इस प्रेम आज्ञा के पालन द्वारा हमें आनंद जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी। हम ये निवेदन करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।